तो मैं आज चंदौली जिले के ग्रामीण इलाकों में ये जानने के लिए कि माहौल क्या है आया हूँ। एक दूसरी पान की दुकान पर कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहीं से मैं सिलसिला शुरू करता हूँ। चंदौली नहीं है, मिर्जापुर है सर। कोई बात नहीं सर, मिर्जापुर है। ये जिला बदल गया क्या? नहीं नहीं सर, मिर्जापुर है, ये मिर्जापुर जिला है ये। अरे अभी पीछे चंदौली बॉर्डर उधर है, चंदौली इधर है, जमालपुर है ये, जमाल मिर्जापुर का जमालपुर ब्लॉक थाना है। कोई बात नहीं है। जी सर, तो लोकसभा कौन सी है? सर ये मिर्जापुर लोकसभा है, अनुप्रिया पटेल जी का। पल्लवी पटेल भी सुन रहे, लड़ रही। अब हमको सर जानकारी तो नहीं है। और ये इलाका किन लोगों का है? कुर्मी पटेल बाहुल्य एरिया है मेरा ये। तो कुर्मी बाहुल्य एरिया पटेल लोगों में जी, अनुप्रिया पटेल का भी माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया है, बम्पर रोटों से जीत रही हैं। पल्लवी पटेल का भी कुछ है योगदान? नहीं, उसमें बहुत कोई योगदान तो नहीं है उनके आगे, उनका कोई योगदान बहुत नहीं है। अनुप्रिया पटेल के साथ अभी पटेल लोग ज्यादा है? एकदम बम्पर सर, बम्पर रोड से जीत रही हैं। किस वजह से? अरे भाई है, काम कर रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, राजनीतिक परिवार से हैं। और पल्लवी पटेल भी तो है? नहीं है, वो भी हैं, बहनी है, लेकिन बेटर हैं वो, संभ्रांत महिला हैं, मेहनती हैं। इंडिया गठबंधन से? इंडिया गठबंधन से सर कोई लाभ नहीं है, यहाँ मिलने वाला नहीं है लाभ। हेलो जी, तो पल्लवी पटेल का सब सही है? अरे सॉरी, अनुप्रिया पटेल का सही है, पटेल लोग भी सब साथ? जी 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 एकदम। और बाकी ग्रामीण इलाकों में चर्चा क्या है? सब बढ़िया है, सब हर जगह सब श्रीराममय है सर। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? लक्ष्मीकांत त्रिपाठी। क्या माहौल है गांव देहात में? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का माहौल ठीक है। यहाँ तो अनुप्रिया ने है। हाँ तो है, मालूम बाकी अनुप्रिया है। अब अभी तक कोई पता नहीं है अनुप्रिया के बाद। चर्चा नहीं भाई, चर्चा जब आज नाम हो तब ना। ये तो अपना दल से हुआ ना है के अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल तो है बढ़िया से, पहले ही से दो बार सांसद हो चुकल बने, तीन बार, तब उनके तो सब ही जनता है ना बा। अब एक बात के आई तब ऊपर विचार कर जाए। तो अभी कहा माहौल का? अरे भाई अभी तो अनुप्रिया पटेल का माहौल बा, और जब कोई सामने आई तो ऊपर विचार कर जाए कि के देहल जाए। अरे मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा था कि कैंडिडेट के नाम पर? हाँ तो भाई मोदी जी तो विख्यात है बना, मोदी जी तो विख्यात है बना, मन को दूरा है बात। कहा कह दूँ आदमी कह दूँ कि सब जो राजनीतिक विरोधी हो उनके किया ईडी सीबीआई भेज देते हो? हाँ भाई, एक तो ऊंची राजनीति करे विषय में हम नहीं बता सकते कुछ। हाँ अब हम, हाँ अब हम विषय में ना बता पाए। तो सरकार के काम मोदी जी के सरकार के तीसरी बार आवे लायक हो? गांव देहात में का चर्चा? नहीं आवे लायक हो ये बात नहीं है कि नहीं आवे लायक। हाँ आवे लायक हुआ मोदी जी। हाँ आएगा अपना दल यहाँ से, अनुप्रिया पटेल। हाँ जीतेंगे। ये विपक्ष वाले जो घेराबंदी करने कोई दम है वहाँ का, वो तो उनका मामला है ना, यहाँ थोड़ो मामला वो चल रहा है। कहाँ है? दिल्ली में ना है, यहाँ थोड़ो है, मिर्जापुर में थोड़ो उनका मामला है, ईडीसीडी वाला तो दिल्ली का मामला है, वहाँ राजधानी का मामला है, राजधानी में तय करेंगे बड़े नेता की जनता तय करेगी। नहीं नहीं हम ही कह रहे हैं कि गांव देहात में उसकी कोई चर्चा है? उसका कोई चर्चा नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई चर्चा है? नहीं, ये सब कहा जानता है, वो तो बुद्धिजीवी वर्ग जानता है, दिल्ली की जनता जानती है ना, यहाँ हम लोग क्या जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, कैसा कैसा होता है, यह तो जनता जानती है कि कौन काम करता है विकास का। आप क्या करते हैं? खेती के बारे में काम करते हैं, फार्मिंग। चलिए ठीक, मैं अब थोड़ा कुछ और जगह चलता हूँ। अरे हम हनो कहीं में हो तो कौन फजीहत तो नहीं कहा? कौन फजीहत हो, जहाँ जहाँ गांव देहात में आदमी बैठल रहे ना चाय पान के दुकान पर, हम वहाँ पहुँच जाए लोग बातचीत करें। अरे बाबू हमने बतिया ये कहीं लगाते हैं? यही पर आवाजिया यही में आई ना, कोई दिक्कत ना हो बोलिए ना। अरे हम बोल चुके लिए हम ना ना बाबू हाथ जुड़ा। एक बात बताओ, ये मोदी जी का सरकार के कैसन काम काज है? एक ही है बताइए, उनके काम काज के भी बताया पी हैं पुरान हमसे हुए। 500 रुपया जो मिला था वो ठीक है ना? कहाँ हमके तो मिलते नहीं, तो हम कहा जानी 500 रुपया मिले कहाँ हमें मिला था?
जनता की मिलत तो किसानन की कहाँ मिलत है भैया, कहाँ मिलत है। अरे के वृद्धा पिल्ची ला लो बंद हो गए, वृद्धा पिल्ची ने खिलाओ तो वो बंद हो गए। अरे हमके एको पैसा नहीं मिलत, अरे कद। अच्छा अनाज गांव में अनाज तो मिलत है सबके। हमारे कार्डन आई बनल हो तो हमें अनाज कहाँ से मिली। जैसे हम यहाँ आई है हमारा राशन कार्ड नहीं बनल तो सरकरिया कैसे ने बताइब मोदी जी का चाहे योगी जी का। अरे सरकरिया तो जब सब बढ़िया कहते तो हम कहीं कहीं की खराब है बढ़िया बा जोन बात हो, बाकी तो हमारे तो हमें तो नहीं मिलत हो। आए अखिलेश राहुल मायावती ये लोग के बारे में कुछ विचार है। हम सब से क्या मतलब है, अखिलेश राहुल से मायावती से जेकर सरकार बा उसे मतलब बा कि अखिलेश और राहुल और मायावती से कौन मतलब हो। मोदी के सरकार मोदी से मतलब बा कि अखिलेश राहुल से कौन मतलब हो। तो तीसरी बार मोदी जी आई है कि नहीं। अहिले बोला तुम्हें कहा अहिले बोलो तो गुमन कौन फरक फरक वाला सरकार उन लोग आ गई ले। हाँ ओकर वजह कहा वजह कौन जब उनका सरकार बा कुल नहीं का हाई समान तो कुल सुविधा दे ले बाना यह न सब कहत बा यह न सब कहत बा कि हाई पैसा मिलत बा तो राशन मिलत बा पाँच किलो चाउर मिलत बा यह कुल सुविधा बा और कुछ चीज महंगाइए बा। को आप बताओ आपके हिसाब से क्या लगत। सब सही लगत हूँ, जितना बोलत हूँ सब अच्छा बोलत हूँ। तीसरी बार के सरकार में कोनो नहीं कोनो कमी नहीं रहे, आज भी कोनो कमी ना हो। पहले की सरकारन से ही सरकार अच्छी हो सही चल रहा है। लोग जो कहते हो विरोधी दल वाले हाँ बिल्कुल हम ना बात बता सकब, हमने देहात कराया भैया हमने बात ही कुल ना बता सकल जाए। काम कुल अच्छा होत हो, मोदी जी का कारोबार बढ़िया चलत हो, हम लोग खा जिए थी जा ये कि पैसा वैसा हमने मिल ना जितना मिलक चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। कुल चमचे लोग खा जा रहे हैं, हम लोग के घर पर नहीं आ रहा है। पैसा कौली जो ऊपर से मोदी जी भेज रहे हैं बीच में पैसा आ रहा है मगर हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो कहते जितना हम सब अकाउंट में डाल दे रहे हैं अकाउंट में, अभी परसों नसों के लिए अभी पैसा नहीं आया मेरा। किस चीज़ का? ये जो 2000 रुपया मिलता है अभी पैसा नहीं आया है। अकाउंटों में तो आपके डायरेक्ट आता है ना। हाँ तो डायरेक्ट आता है मगर हम गए पता लगे मैं कहे कि अभी नहीं पैसा नहीं आया मेरा। रुक जाए चुनौवा आई तब ना। तो जो भी है जो बात कह रहे हैं सफाक बोल रहे हैं, हम लोग को उम्र हो गया पेंशन बनना चाहिए पेंशन नहीं मिल रहा है, बनवाइए आप लोग। तो मोदी जी के सरकार के कौन काम बढ़िया है? राशन दे रहे हैं पैसा दे रहे हैं रोड बन रहा है चक रोड बन रहा है नाली बन रहा है काम कुल ओके है, मगर ये कि महंगाई है चरण सीमा पर जा रही है, हम लोग साग सब्जी खरीदने में परेशान हैं, कमाई धमाई कमज़ोर हो गया है और हर सामान महंगा हो गया है। आलू 20 रुपया किलो हो गई, दाल 150 रुपया हो गया और जो चाय पानी पूरी महंगी हो गई। अब यहाँ बैठे हैं हम लोग खाने में असमर्थ हैं, खाने में असमर्थ है, पैसा नहीं जेब में है कि खा सके हम लोग, इतनी महंगाई आ गई, एक चाय पीने के दुश्वार हैं हम लोग। और तो कारोबार मोदी का ठीक है।